हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हुई, जो मैंने सब्जी की डाली हुई है, मिठाई की भी डाली हुई है, पर मैं आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आंवला का अचार है। और साथ में ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और अड़ियाँ, बुंदेलखंड में इसको अड़ियाँ बोला जाता है, जिसमें सहजन की जड़ भी कई लोग बोलते हैं, तो इसका मैं अचार रखने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आंवला ले लिए हैं। ये मार्केट गए थे तो मार्केट में मुझे दिखा आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने आधा किलो ले लिया है। यहाँ पर मैं 250 ग्राम ये पतली वाली हरी मिर्च ली है जो काफ़ी तीखी होती है, और साथ में 250 ग्राम मैंने यहाँ पर अड़ियाँ ली हुई हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी अचार रखें तो आपको पहले, या तो अचार रखने से पहले 1 घंटा आपको धुल के उसको कपड़े से पोंछ लेना है, या फिर आपको यदि धुलना नहीं है तो आप एक कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए, उससे आप अच्छे से इसको साफ कर लीजिए। इसमें कोई भी बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो आपका अचार होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने देखिए हरी मिर्च जो ली हुई है, तो जो पीछे वाला भाग होता है, डंठल वाला भाग, इसको हम निकाल करके अलग कर देंगे, क्योंकि कई लोग जो अचार रखते हैं उनका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका अचार सालों साल तक चलेगा। और इधर ये अड़िया ली हुई है तो इसका हमें जो ऊपर वाला छिलका दिख रहा है उसको हमें निकाल करके अलग करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए लहसुन भी लिया हुआ है, साथ में अदरक लिया हुआ है, तो ये अपने अनुसार आप कोई भी सामग्री कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मिर्च का मैंने डंठल निकाल दिया है, और मैं कुछ हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाऊंगी और कुछ हरी मिर्च को मैं इस तरह से छोटा छोटा सा काट करके तैयार कर लूंगी। तो मिर्च का जो अचार होता है वैसे तो कई तरह से रखा जाता है, पर मैं आज जो अचार रख रही हूँ उसमें मैं लहसुन, अदरक, अड़ियाँ और इसको सभी को मिक्स करके रखने वाली हूँ, और साथ में मैं रखूँगी आंवला का अचार। तो आंवला का अचार मैं अलग रख करके तैयार करूँगी। तो इस तरह से हमें सारी जो हमने चीज़ें ली हुई हैं इसको काट करके हमें तैयार कर लेना। तो देखिए मिर्च को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। अब हमें जो अड़ियाँ हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की स्किन होती है, चाकू की हेल्प से हमें इसको निकालना है। बहुत ही पतला पतला निकलता है, और यदि आप छिलनी से निकालेंगे तो काफ़ी सारा ये वेस्ट जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये चाकू से इसका साफ हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसको निकाल देना है, और फिर ऊपर का भाग और जो नीचे का भाग है इसको काट करके हमें अलग कर देना है। तो इस तरह से हमें सारी अड़ियाँ को काट करके तैयार कर लेना है। यदि अड़ियाँ छोटी छोटी सी है तो आप इसको गोल शेप में काट दीजिए, और यदि थोड़ी सी भी मोटी है तो आप इसके 4 भाग या 2 भाग करके काट सकते हैं। तो 2-2 इंच के करीब हमें इसके टुकड़े करके तैयार कर लेना है। और ये अड़ियाँ का जो अचार होता है काफ़ी हेल्दी भी होता है, और ये थोड़ा सा गर्म भी होता है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है, हल्की हल्की ठंडक भी आ चुकी है, तो ख़ास करके ये बरसात में ही अड़ियाँ मिलती हैं, वैसे हर समय नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से आप अचार को बना करके रख लीजिए, और आप साल भर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। साथ में मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है, उसको भी छील करके यहाँ पर काट लिया है। तो मैंने देखिए लहसुन का एक बड़ा सा गट्ठा लिया हुआ था। अब हम कुछ मसाले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिए मेथी, सौंफ, जीरा, और बाद में हम कुछ मसाले और भी डालेंगे। तो हमें इन मसालों को भूंज करके पहले तो तैयार कर लेना है। तो धीमी धीमी आँच में हम सभी मसालों को भूंज करके तैयार कर लेंगे, और जब भुन जाएगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। 100 ग्राम के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को हमें अच्छे से पका लेना है, और हमें इसको ठंडा कर लेना है। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। तो यहाँ पर देखिए जो अड़ियाँ मैंने ली हुई थी इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल करके 1 चम्मच रख देना है। इससे क्या होगा, इसका जो पानी होगा वो निकल जाएगा, और इस पानी को हमें इस्तेमाल नहीं करना है, उस पानी को हमें अलग कर देना है। तो अब हमें ले लेना है कोई भी बर्तन। बर्तन में हम डाल देंगे ये अपने नमक वाली अड़ियाँ, और साथ में ही हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और बारीक कटा हुआ जो लहसुन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है उसको भी डाल देंगे, और साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। तो इस तरह से हमें सारी सामग्रियों को इकट्ठा मिला लेना है। अड़ियाँ का जो अचार होता है ज़्यादातर इसी तरह से बनाया जाता है, और यदि आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो आप अलग भी बना सकते हैं। फिलहाल बुंदेलखंड में इसको इसी तरह से बनाया जाता है, और हमारे यहाँ बरसात में कुछ बने या ना बने पर इसका अचार ज़रूर बनाया जाता है। क्योंकि चाहे हम पूरी बनाएं चाहे पराठा बनाएं, और यदि अचार ना मिले खाने को तो लगता ही नहीं कि हमने खाना खाया है। तो अब हमें मिला देना है इसमें 50 ग्राम के करीब वाइट वाला नमक। ये वाइट वाला नमक है जो हम डेली खाना में यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए नमक को मिला दिया है, और अब हम मिलाएंगे यहाँ पर भुंजे हुए मसाले जो हमने पीस करके दरदरे तैयार किए हुए हैं। तो हमने देखिए मसाले भी यहाँ मिला दिए हैं, और उधर हमारा तेल भी जो सरसों का गरम किया हुआ था वो ठंडा हो चुका है, जरा सा हल्का सा गरम है।
तो उसमें हमें क्या करना है, इस तेल में हमें मिला देना है एक चुटकी हींग और एक चुटकी डाल देंगे हम यहाँ पर हल्दी। तो तेल हमारा बिल्कुल हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो आपकी जो हल्दी होगी वो जल जाएगी। और इसको हमें इसी तरह से चम्मच की हेल्प से इस अचार में हमें इस तेल को डाल देना है। तो पूरा तेल नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे हम, आधा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे आंवले के अचार में। और अब हमें इसमें डाल देना है ऊपर से थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन। तो ये हमारा आज का बहुत ही टेस्टी ये अचार बन करके फ्रेंड्स तैयार हो चुका है। तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से हमें इसको अच्छे से मिला देना है, ताकि जो तेल है और जो हमने हल्दी मिलाई हुई है वो सारी अणियों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और मैं तो जब भी अचार रखती हूँ तो पूरे मोहल्ले में खुशबू आती है। तो आप एक बार इस तरह से अचार बना करके ज़रूर तैयार कीजिए। और सब्ज़ी चाहे कितनी भी ख़राब हो, यदि आपके पास अचार है तो खाने में मज़ा आ ही जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, थोड़ा सा अचार हमारा और चटपटा बन करके तैयार होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इधर मैंने जो आंवला काटे हुए थे फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा धूप में रख दिया था, क्योंकि आंवला अभी ये ताजे हैं और ये कच्चे आंवला हैं, ये पके हुए आंवला भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत है, स्टार्टिंग है अभी आंवला मार्केट में आना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा काट करके इनको धूप में रख दिया। फिर इसके बाद मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है, और अब हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। नमक को हमें जैसे यदि हमने 250 ग्राम आंवला लिया हुआ है तो आपको 100 ग्राम नमक यहाँ पर इस्तेमाल करना ही करना है। इसके बाद हम मिला देंगे इसमें भुजे हुए मसाले जो हमने भूंज करके तैयार करके रखे हुए थे, और अब हमें इन्हीं सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेना है। जब भी फ्रेंड्स आंवला का अचार रखें तो इसमें मैं सरसों का जो बीज होता है वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि सरसों के बीज डालने से आंवला थोड़ा सा जल्दी ख़राब होने लगता है। तो बस अब हमें डाल देना है हल्दी वाला ये तेल जो हमने पका करके रखा हुआ था। तो बस सभी सामग्रियों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और फ्रेंड्स ये जो मैंने आंवला का अचार रखा हुआ है, मैंने आंवले को बिल्कुल बॉयल नहीं किया है, क्योंकि बॉयल करने से आंवला का जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे चले जाते हैं। आंवला जो होता है बहुत ही विटामिन सी से भरा रहता है, तो आपको एक आंवला तो डेली खाना चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, हर किसी को आंवला खाना ही खाना चाहिए, चाहे आप मुरब्बा बना के खाइए चाहे आप अचार के साथ खाइए। तो इस तरह से यदि आप अचार बना करके खिलाएंगे तो सभी को पसंद आएगा। और ये देखिए, ये अचार आपका खराब भी होने वाला नहीं है। यदि आपको लगे कि आंवला के अचार में ज़्यादा पानी निकल रहा है, क्योंकि नमक डालने से पानी ढेर सारा निकलता है, तो आप इसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए। आंवला का अचार आपका साल भर बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है। तो इस अचार को आप एक बार बनाइए और सभी को खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो पुष्पा की रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।